पाकुशिटी इस्लामाबाद और लाहौर की मेगा सक्सेस के बाद पाकुशिटी का फेज़ टू इस्लामाबाद का जो कि लॉन्च कर दिया गया है, उसकी मुकम्मल तफसील, लोकेशन और पेमेंट प्लान जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। दिस इज सलमान अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि टाइटेनियम ग्रुप आपको इससे पहले तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल शॉप्स और फार्म हाउसेज के रिलेटेड डेली बेसिस पे अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता है। आज हम बात करेंगे पाकु सिटी फेज़ टू जो कि इस्लामाबाद में लॉन्च कर दिया गया है, उसकी मुकम्मल डिटेल्स, लोकेशन और पेमेंट प्लान के ऊपर। पाकु सिटी फेज़ वन जो कि इस्लामाबाद सीडीए सेक्टर के अंदर मौजूद है एंड पाकु सिटी लाहौर जो कि मेन मुल्तान रोड के ऊपर मौजूद है। पाकु सिटी फेज़ वन इस्लामाबाद जो कि आज से साढ़े तीन साल पहले लॉन्च किया गया और तब वहाँ पर प्राइसेस थी 5 मरला की 30 लाख रुपया। आज वहाँ पे 5 मरला का प्लॉट आपको कम से कम 1 करोड़ के बजट के अंदर मिलता है। तो जो हमारे क्लाइंट्स, जो इन्वेस्टर्स एक कम बजट के अंदर एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पाकु सिटी की तरफ से उनका फेज़ टू एक नहायत शानदार मौका है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जहां पे आपको जो 5 मरला की बुकिंग है वो मिलती है 13,75,000 से, जिसकी टोटल अमाउंट की बात करें तो वो 55 लाख है। यहाँ पर अगर कैटेगरी की बात की जाए तो पाकु सिटी फेज़ टू के अंदर आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स 2 साल के ईजी पेमेंट प्लान के ऊपर अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें सीडीए सेक्टर फेज़ वन में जो इनका प्रोजेक्ट आया था, ये पाकु सिटी एक वाहिद प्रोजेक्ट था, पहला प्रोजेक्ट था जिन्होंने सीडीए सेक्टर के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट प्रोवाइड किए थे। तब वहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, आज उन लोगों को पाकु सिटी की नौइयत का, इसके बेनिफिट्स का और इसकी प्रॉफिट रेशो का बहुत अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि वहाँ पर जिन लोगों ने आज से 3 साल पहले 30 लाख का प्लॉट लिया था वो आज 1 करोड़ रुपये का है। सेम एज इट इज़ अगर हम पाकु सिटी लाहौर की बात करें तो पाकु सिटी लाहौर के अंदर भी 30 से 35 लाख का 5 मरला का जिन लोगों ने प्लॉट लिया था, आज वो 90 लाख टू 1 करोड़ रुपये का आपको मिलता है। अगर हम इस जगह की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो ये लोकेशन आपको पाकु सिटी फेज़ टू की जो है वो रवात के एरिया के अंदर, जहाँ से रावलपिंडी का रिंग रोड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसके राउंड अबाउट आपको देखने को मिलेगी। पिन लोकेशन जो है वो अभी डेवलपर्स की तरफ से प्रॉपर शेयर नहीं की गई, जो कि विदिन कुछ डेज 4 to 5 डेज 1 वीक तक आपको पिन लोकेशन भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर हम रिंग रोड की बात करें तो वो दिसंबर के आखिर तक उसकी जो रिंग रोड की डेवलपमेंट है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और वहाँ की तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो जीटी रोड के ऊपर और चक्री रोड के ऊपर अवेलेबल हैं, उनको इस चीज़ से जो है वो काफ़ी बेनिफिट होगा। अगर हम बात करें इस वक्त पाकु सिटी फेज़ वन इस्लामाबाद की, तो वहाँ पे जो उनका डाउनटाउन कमर्शियल है, जो कि डाउनसिंग फाउंटेन के ऊपर जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो अभी वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद लाहौर की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक काफ़ी मुतवज्जा जो है वो रखता है क्लाइंट्स की, इन्वेस्टर्स की, वहाँ पे विजिटर्स आते हैं उस चीज़ को देखने के लिए। तो एक बड़ा ही शानदार कमर्शियल बन रहा है, जहाँ पे कमर्शियल की बात की जाए तो वो आपको देखने को मिलता है 18 करोड़ से 20 करोड़ तक का, जो उनकी सबसे छोटी कैटेगरी है 4 मरला की। तो सेम एज इट इज़ एक कम बजट के अंदर आपको लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो कि पाकु सिटी ऑलरेडी जो उन्होंने चीज़ें डिलीवर की हैं लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, उनका जो प्रोजेक्ट की नौइयत रहती है वो काफ़ी एक लग्जरी रहती है, एक चीज़ जो है वो हाई फाई वेल डिफाइंड तरीके से एक वर्टिकल लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर उसको डेवलपमेंट करते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए या वहाँ पर रहने वाले जो कि अपने घर के लिए या अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। 55 लाख के अंदर आपको 5 मरला का यहाँ पर प्लॉट मिलता है। अगर हम 10 मरला की बात करें तो वो आपको मिलता है 90 लाख में, जिसकी बुकिंग आप ऑलमोस्ट कर सकते हैं 25% से। इसी तरीके से 5 मरला की बुकिंग भी 25% से, और आपको 1 कनाल की यहाँ पे कैटेगरी भी अवेलेबल है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए या प्लॉट के लिए घर बनाने के लिए। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें लाहौर की, जो हमारे इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स जो कि लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने घर के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं कमर्शियल के अंदर या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसी तरीके से पाकु सिटी लाहौर फेज़ वन के अंदर भी आपको इसी इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट जो हैं वो अवेलेबल है 5 मरला 10 मरला के। एंड सेम एज इट इज़ पाकु सिटी फेज़ टू जो कि लाहौर के अंदर भी उन्होंने लॉन्च कर दिया हुआ है, जो कि आपको जिसकी एंट्रेंस है वो स्टिल आपको पाकु सिटी फेज़ वन जो कि मेन मुल्तान रोड से देखने को मिलती है, जो कि आपको ठोकर न्याज बैग से तकरीबन 4 से 5 मिनट का जस्ट उसका डिस्टेंस है, और वो काफ़ी एक लग्जरी प्रोजेक्ट है जिन्होंने विजिट किया हुआ है। या अगर आप विजिट करना चाहें तो टाइटेनियम ग्रुप के पास इसकी प्री लॉन्च इन्वेंट्री, बाकायदा विजिट की सहूलत, फेज़ टू की लोकेशन, ईच डिटेल जो कि आपको मैंने गाइड की, लोकेशन जो जहाँ पे पाकु सिटी फेज़ टू इस्लामाबाद की आएगी,
पार्कव्यू सिटी फेज टू की लोकेशन मेन मुल्तान रोड के ऊपर ही है और फेज वन के ऊपर भी आपको इजी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो प्लॉट्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये इसकी एक शॉर्ट डिटेल मैंने आपसे डिस्कस की है। इसकी मजीद डिटेल्स, बुकिंग, लोकेशन, उसको जानने के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यही नंबर मेरा ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए व्हाट्सअप एंड IMO पे अवेलेबल है। आप मुझे उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। टाइटेनियम ग्रुप के पास इसकी प्री लॉन्च इन्वेंट्री के ऊपर बुकिंग अवेलेबल है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया अल्लाह।